अर्चना पूरन सिंह। भला कौन सा ऐसा भारतीय सिने प्रेमी होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा या इनके हंसने के अंदाज पर खुद भी ना मुस्कुराता होगा। पिछले 40 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव अर्चना पूरन सिंह ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, कई शानदार टीवी शोज किए, हर बड़े स्टार के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर की। अर्चना पूरन सिंह की एक तगड़ी फैन फॉलोइंग है। पहली फिल्म में केवल 10 सेकंड का रोल करने वाली अर्चना पूरन सिंह आज बॉलीवुड की ए ग्रेड एक्ट्रेस हैं। आज किस्सा टीवी पर पेश है अर्चना पूरन सिंह की कहानी। अर्चना पूरन सिंह की जिंदगी से जुड़ी कई दिलचस्प बातें आज हम और आप जानेंगे। हमें पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अर्चना का जन्म हुआ था 26 मई 1962 को देहरादून में। पंजाबी परिवार में पैदा हुई अर्चना पूरन सिंह के पिता देहरादून के सम्मानित वकील थे। अर्चना की स्कूलिंग देहरादून में हुई, उसके बाद इन्होंने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज में दाखिला लिया और यहां से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। कॉलेज में ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेती रहती थी। इनके कॉलेज की फ्रेंड्स अक्सर इन्हें कहा करती थी कि तुम्हारी पर्सनैलिटी बेहद शानदार है, तुम्हें तो मॉडलिंग करनी चाहिए। ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ बचपन से ही अट्रैक्ट रहने वाली अर्चना ने फैसला कर लिया कि वो मॉडलिंग में ही करियर बनाएंगी। कॉलेज कंप्लीट होते ही अर्चना ने रुख किया मुंबई का और वहाँ ये स्ट्रगल करने लगी। अर्चना की मेहनत रंग लाई और 1982 में रिलीज हुई फिल्म निकाह में इन्हें एक झलक के लिए कैमरा फेस करने का मौका मिला। जी हाँ, निकाह ही वो फिल्म थी जिसमें अर्चना मात्र 10 सेकंड के लिए नजर आई थी। अर्चना ने कई विज्ञापनों में भी काम किया था। उस जमाने में अखबारों में छपने वाले कई विज्ञापनों में अर्चना नजर आई थी। ऐसा ही एक विज्ञापन था बैंडेड का विज्ञापन, जिसे डायरेक्ट किया था मशहूर एक्टर और डायरेक्टर जलाल आगा ने। जलाल आगा ने जब देखा कि अर्चना काफ़ी कॉन्फिडेंस से काम कर रही हैं, तो उन्होंने फैसला कर लिया कि इस लड़की को एक दिन ज़रूर किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम देंगे। बैंडेड के इस एड को शूट करने के बाद अर्चना और जलाल की अच्छी दोस्ती हो गई थी। उस समय अर्चना की उम्र मात्र 20 साल थी। एक दिन अर्चना डेंटिस्ट के पास जा रही थी। उन्होंने जलाल आगा से कहा कि वो डेंटिस्ट के पास जा रही हैं। तब जलाल आगा इनसे बोले कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्योंकि मुझे लेखक जावेद सिद्दीकी से मिलना है और उनका घर उसी तरफ है जहाँ तुम डेंटिस्ट के पास जा रही हो। फिर अर्चना जलाल की कार में बैठ गई। कार में चलते हुए ही जलाल ने अर्चना को अपने नए प्रोजेक्ट की कहानी सुनाई। ये प्रोजेक्ट था उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू टीवी शो, जिसका नाम था मिस या मिसेज। इसके मेन किरदारों के नाम थे महेश और सीमा। जलाल जब अर्चना को कहानी सुना रहे थे तो अर्चना को बड़ा ही मज़ा आ रहा था। कहानी खत्म करने के बाद जलाल ने अर्चना से पूछा कि उन्हें कहानी कैसी लगी, तो अर्चना ने जवाब दिया कि कहानी बेहद शानदार है। तभी अर्चना और जलाल डेंटिस्ट के क्लिनिक पहुंच गए और डॉक्टर ने अर्चना के दांत का इलाज करना शुरू कर दिया। डॉक्टर ड्रिल मशीन से अर्चना के दांत को घिस रहा था। तभी जलाल आगा अर्चना से बोले, अर्चना तुम एक मॉडल हो, लेकिन क्या तुम इस शो में एक्टिंग करना चाहोगी? क्या तुम मिस या मिसेज में सीमा का रोल प्ले करोगी? ये बात सुनकर अर्चना हैरान रह गई। अर्चना भूल गई कि डॉक्टर उनके दांत का इलाज कर रहा है। वो अचानक जोर से बोली, व्हाट? अर्चना के इस तरह चिल्लाने से डॉक्टर नाराज हो गया और उसने अर्चना को डांटा भी। वो दिन अर्चना की जिंदगी में एक बहुत बड़ा दिन था। आखिरकार इसीलिए तो अर्चना मुंबई आई थी, उन्हें एक्ट्रेस ही तो बनना था। उस रात अर्चना सो भी नहीं पाई। मिस या मिसेज शो की शूटिंग पूरी हुई। अर्चना के अपोजिट महेश के किरदार में थे मशहूर थिएटर आर्टिस्ट जयंत कृपलानी। 26 एपिसोड का ये शो दूरदर्शन पर हर रविवार की सुबह प्रसारित होता था। मिस या मिसेज की शूटिंग के साथ साथ अर्चना ने एक शॉर्ट फिल्म में भी काम किया था, जिसमें उनके अपोजिट आदित्य पांचोली थे।
अभिषेक नाम की ये फिल्म काफी बोल्ड थी और अर्चना ने इसमें कई हॉट सीन्स दिए थे। इसके बाद साल 1987 में अर्चना बतौर लीडिंग लेडी पहली दफा नजर आई फिल्म जलवा में। इस फिल्म में इनके हीरो थे नसीरुद्दीन शाह। पंकज पराशर निर्देशित ये फिल्म पहले डिंपल कपाड़िया ने साइन की थी, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों के चलते डिंपल ने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। अर्चना के अच्छे दोस्त जलाल आगा ने पंकज पराशर से कहकर अर्चना को ये फिल्म दिला दी। इस तरह जलवा वो पहली फिल्म बनी जिसमें अर्चना मुख्य अभिनेत्री के तौर पर नजर आई। अर्चना ने इस फिल्म में भी नसीरुद्दीन के साथ कई बोल्ड सीन्स दिए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन करने में कामयाब रही थी। हालांकि अर्चना पूरन सिंह को फिल्म की कामयाबी से कोई खास फायदा नहीं हुआ। कहना चाहिए कि हीरोइन के तौर पर ये अर्चना की पहली और आखिरी फिल्म रही, क्योंकि इस फिल्म के बाद कभी भी अर्चना को दोबारा लीड कैरेक्टर नहीं मिल पाए। बी ग्रेड और सी ग्रेड फिल्मों में अर्चना को बोल्ड सीन्स करने के लिए हीरोइन के रोल मिल तो रहे थे, लेकिन अर्चना ने फैसला कर लिया था कि अगर वो बोल्ड सीन्स करेंगी तो केवल ए ग्रेड फिल्मों में ही करेंगी। फिर चाहे उनके रोल्स साइड आर्टिस्ट के और छोटे छोटे ही क्यों ना हो, इस तरह छोटे मोटे रोल्स में ही सही अर्चना बड़े बैनर की फिल्मों में नजर आती रही। अर्चना जिन दिनों फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स कर रही थी, उन्हीं दिनों ये टीवी पर कुछ बड़े ही शानदार शोज कर रही थी। करियर की शुरुआत तो इन्होंने टीवी से ही की थी। पहले शो मिस या मिसेज के बाद अर्चना ने वाह क्या सीन है नाम के एक और शो में काम किया। फिर ये नजर आई जी टीवी की बेहद लोकप्रिय सीरीज जी हॉरर शो में। 1994 में ब्रॉडकास्ट होना शुरू हुआ श्रीमान श्रीमती इनके पूरे एक्टिंग करियर के सबसे शानदार कामों में से एक माना जाता है। ये शो बेहद ज्यादा पसंद किया गया था और इनके द्वारा निभाया गया प्रेमा शालिनी का किरदार लोगों का पसंदीदा किरदार बन गया था। श्रीमान श्रीमती के साथ ही ये दूरदर्शन के एक और शो जुनून में नजर आई थी। इस शो में ये रेखा के किरदार में दिखी। यहाँ भी इन्होंने अपने काम से सबका दिल जीत लिया। यानी कहा जा सकता है कि छोटे पर्दे पर अर्चना वो कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो चुकी थी जो इन्हें अभी तक फिल्मों में नहीं मिल पाई थी। लेकिन जब 1998 में रिलीज हुई करण जौहर की कुछ कुछ होता है में ये मिस ब्रिगेंजा नाम की एक हॉट एंड सेक्सी टीचर के रोल में दिखी, तो फिर तो मानो इनकी किस्मत ही बदल गई। इन्हें भी बॉलीवुड के ए क्लास एक्टर्स में गिना जाने लगा। उसके बाद तो इन्होंने कई बड़ी फिल्मों में बड़े ही दमदार रोल निभाए। टीवी पर भी इन्हें काफी बढ़िया काम मिला और इन्हें वो पॉपुलैरिटी भी मिल गई जिसकी तलाश हर कलाकार को होती है। बात अगर अर्चना की निजी जिंदगी के बारे में करें तो इनके पति हैं परमीत सेठी। परमीत इनके दूसरे पति हैं। इनकी पहली शादी कामयाब नहीं रह पाई थी और उस शादी का बड़ा ही दर्दनाक अंत हुआ था। अर्चना अपनी उस शादी के टूटने से इतनी दुखी थी कि उन्होंने फिर कभी दोबारा शादी ना करने का फैसला कर लिया था। वो मान चुकी थी कि अब किसी मर्द के साथ वो किसी रिश्ते में नहीं जा सकती हैं। लेकिन अर्चना के जीवन में जब परमीत आए तो उनकी ये सोच पूरी तरह से बदल गई। अर्चना और परमीत के मिलने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हुआ कुछ यूं कि एक दिन अर्चना अपने किसी दोस्त के घर पार्टी में गई थी। पार्टी में और भी कई लोग थे, सब नाच गा रहे थे और ड्रिंक्स ले रहे थे, लेकिन इन सभी से अलग अर्चना ने सोफे पर रखी एक मैगजीन अपने हाथ में ली और उसे पढ़ने लगी। तभी अचानक एक लड़का आया और उसने बड़ी बेरुखी से अर्चना के हाथ से वो मैगजीन छीन ली। मगर कुछ ही पलों में उस लड़के को एहसास हो जाता है कि उसके इस बर्ताव से सोफे पर बैठी उस लड़की को काफी बुरा लगा है। वो लड़का वापस अर्चना के पास आता है और मैगजीन उन्हें लौटाकर सॉरी बोलता है और फिर यहीं से इन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। ये दोनों बातचीत में इतने मग्न हो जाते हैं कि पूरी रात बातें करते रहते हैं। ये वो वक्त था जब अर्चना छोटे छोटे रोल करके ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना चुकी थी, तो वहीं परमीत सेठी संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं अर्चना और परमीत की दोस्ती गहरी होती जाती है।
परमीत मन ही मन अर्चना को चाहने लगते हैं, लेकिन एक दफ़ा मर्द के साथ बुरे तजुर्बे को झेल चुकी अर्चना अब दोबारा मर्दों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। फिर एक दिन जब परमीत ने अर्चना को अपने मन की बात बताई तो अर्चना ने फैसला किया कि वो अभी शादी नहीं करेंगी, लेकिन वो परमीत के साथ लिव इन में ज़रूर रह सकती हैं। परमीत राजी हो गए और दोनों एक साथ रहने लगे। मीडिया को जब इस बात की भनक लगी तो इन दोनों के बारे में काफी बातें कही गई। अर्चना और परमीत को खूब क्रिटिसाइज किया गया। कई लोग अर्चना और परमीत की उम्र के बीच के 7 साल के फर्क के बारे में भी बात करते थे, लेकिन दुनिया वालों की तमाम बातों को सुनकर भी इन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। एक दूसरे के साथ इन दोनों का वक्त बढ़िया गुजर रहा था। इसी दौरान परमीत सेठी की किस्मत ने उनका साथ दिया और उन्हें एक बड़े बजट के टीवी सीरियल में लीड एक्टर के तौर पर काम मिल गया। परमीत को लगा कि अब उनका करियर सेट होने वाला है। उन्होंने उसी शाम अर्चना को शादी के लिए प्रपोज किया। इस दफा अर्चना इनकार नहीं कर सकी और आखिरकार अगले दिन सुबह इन्होंने चुपचाप शादी कर ली। ये साल 1992 का वक्त था। चुपचाप इसलिए क्योंकि परमीत सेठी के घरवाले अर्चना संग उनकी शादी के सख्त खिलाफ थे। आज इस जोड़ी का मुंबई में अपना एक आलीशान बंगला है और इनके दो बेटे भी हैं जिनके नाम हैं आर्यमान और आयुष्मान। अर्चना पूरन सिंह इन दिनों द कपिल शर्मा शो में नजर आती हैं और अपनी सॉलिड हंसी से वो दूसरों को भी हंसा देती हैं। बीते 4 दशकों से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव अर्चना पूरन सिंह ने अपना अब तक का सफर बड़े ही शानदार तरीके से पूरा किया है। किस्सा टीवी अर्चना की कामयाबी और उनकी अच्छी सेहत के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। जय हिंद।